मैंने जब वो वीडियो देखी मेरे पास आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उसे मीडिया पर नशर करने से पहले मैंने उन्हें टेलीफोन किया और उन्हें कहा कि चंद लम्हों बाद ये मीडिया पर ब्रेक हो जाएगी। ये ऑफर उन्हें एक बार नहीं दो बार हुई और दोनों बार ये कहा गया कि आपको 16 करोड़ रुपए देंगे कैश में। गवर्नमेंट की इस वक्त सिचुएशन ये है कि 1 मिनट डाउन एंड नेक्स्ट मिनट अप। पार्टी के अपने लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार इसका मतलब है गेम नहीं बन रही, जो प्राइम मिनिस्टर इनको वापस बुला रहे हैं। लेकिन मखसूस नशिस्तों पर जो नए मेम्बरान हैं वो तैनात किए जा रहे हैं, जो पुराने जिनका अचानक से ज़मीर जाग गया है उनको फारिग किया जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान $11 अरब के जुर्माने से बच गया है बल्कि $10 अरब का फायदा भी होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 20 मार्च और दिन है इतवार का। मुल्की सियासी मंजरनामे में बेयकीनी की सी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। मुल्क में OIC का इतना बड़ा और गैर मामूली इवेंट होने जा रहा है, लेकिन इक्तदार की राहदारियों के आसपास जारी जो मोहल्लाती साजिशें हैं उन्होंने पूरी तवज्जो सियासी मामलात की तरफ मरकूज़ कर रखी है। ऑल दो के पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त और शानदार ख़बर भी आई जिसका मेरा ख्याल है सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन उस पर भी ज़्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह इमरान खान ने कानूनी जंग जीतकर पाकिस्तान को ना सिर्फ $11 अरब के नुकसान से बचाया बल्कि $10 अरब का फ़ायदा भी होने जा रहा है। ये किस्सा कहां से शुरू हुआ और कहां पर ख़त्म हो रहा है? अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से किन अहम शख्सियात ने मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सरकारी सतह पर क्या बताया गया, इस बारे में वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बात थोड़ी सी सियासी मामलात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास अब 25 मार्च को तलब कर लिया गया है। स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है या नहीं इस पर बहस अभी जारी है, लेकिन इस वक्त ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि 3 दिन बाद वैसे ही इजलास हो जाना है। असल बात यह है कि अपनों के धोखे के बायस मुश्किलात में गिरी हुकूमत के लिए अब एक एक लम्हा कीमती है, क्योंकि आइनी और कानूनी पोजिशन के बावजूद भी कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए मुश्किलात बरकरार हैं। फ़ोन कॉल्स, जोड़ तोड़, राबते, भाग दौड़, पूरी कोशिश हो रही है। बैक टू बैक सियासी मीटिंग्स की भी इजलास हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तीसरे दिन आज तीसरा इजलास किया, लेकिन बदकिस्मती से अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का जो मुकाबला है वो पैसे की ताकत से हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जलसे में खिताब किया और अपनी तकरीर में जिस अंदाज से मुनहरिफ अरकान को वापसी के लिए कायल करने की उन्होंने कोशिश की और आखिर में कहा कि अगर पैसे से ही इक्तदार बचाना है तो लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत पर और ऐसे इक्तदार पर जिसमें ज़मीरों के सौदे को जमहूरियत का नाम दिया जा रहा हो, तो इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि मुनहरिफ अरकान की वापसी के बगैर हुकूमत बदस्तूर मुश्किल में होगी। इसलिए वज़ीर आज़म ने भरे जलसे में आम मुआफ़ी का ऐलान किया और वापस आने वालों को खुशामदीद कहा है एक तरह से। उस पर भी एतराज़ हो रहा है बहुत सारे हलकों की जानिब से कि अगर दूसरे एंड पर गए हैं तो बुरे हैं और अगर यही वापस आ जाते हैं तो क्या अच्छे हैं। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कहीं लिखा था कि अगर वज़ीर आज़म पर एतमाद ना हो तो उसे हटाने का तो आइनी रास्ता मौजूद है तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, लेकिन अगर अरकान कौमी असम्बली पर वोट और टिकट देने वाले दोनों का ही एतमाद ना रहे तो इस सूरत में क्या कानूनी ऑप्शन मौजूद है? ऐसे अरकान को हटाने के लिए भी कोई ऑप्शन, कोई रास्ता होना चाहिए था। एक मुंतखब रुकन असम्बली जिस पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुआ उससे भी धोखा कर रहा है, फिर जिनसे वोट लेकर आया उनसे भी धोखा कर रहा है और अलग ऐलान हो रहा है सब कुछ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा। क्या ये रुकन सिर्फ ये कह के बच सकता है कि ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी? ये कैसा ज़मीर है जो 20-25 लोगों का अचानक ही जाग गया और सारे के सारे ज़मीर की आवाज़ सुनने के लिए फिर सेंधा उसमें पहुंच गए? ज़मीर फरोशी की ये मंडी लगी कैसे? सबके ज़मीर एकदम से जागे कैसे? आज PTI की खातून रुकन असम्बली नुसरत वाहद ने एक वीडियो बयान जारी कर दिया। मैंने जब वो वीडियो देखी मेरे पास आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं उसे मीडिया पर नशर करने से पहले मैंने उन्हें टेलीफ़ोन किया और उन्हें कहा कि चंद लम्हों बाद ये मीडिया पर ब्रेक हो जाएगी। ARY न्यूज़ पर ब्रेक हुई तो समझे फिर सारे TV चैनल्स पर यह नशर होना शुरू होगी, तो क्या ये आपकी अपनी ओरिजिनल वीडियो है, आप इसको स्टैंड करती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर ना सिर्फ स्टैंड करती हूँ बल्कि इससे और भी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। उन्होंने कहा कि ये ऑफ़र उन्हें एक बार नहीं दो बार हुई और दोनों बार ये कहा गया कि आपको 16 करोड़ रुपये देंगे कैश में, साथ में कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अगली बारी सीट भी पक्की।
और वो मुस्लिम लीग नून दे या पीपल्स पार्टी दे, ऑफर पीपल्स पार्टी की तरफ से पहुंचाएगी, लेकिन ये अश्योरिटी के साथ कि अगली बार आपकी सीट पक्की प्लस 16 करोड़ रुपए कैश और दीगर मरात इससे अलग होंगी, उनके बारे में बाद में डील किया जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ अरकान ऐसे भी हैं जिनको मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली में लाया गया, खवातीन अरकान है, वो भी अचानक ज़मीर जागने पर सिंध हाउस पहुंच गई, लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि पार्टी के पास इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त मखसूस नशिस्तों पर असम्बली में आने वालों का नाम विदड्रॉ करके उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में बता दिया कि मखसूस नशिस्तों पर जो नए मेम्बरान हैं वो तैनात किए जा रहे हैं, जो पुराने जिनका अचानक से ज़मीर जाग गया है उनको फारिग किया जा रहा है। तो इस सियासी खींचातानी का असल राउंड 25 मार्च की शाम से ही शुरू होगा। अभी 2-3 दिन कोई मजीद कोई बड़ी डेवलपमेंट आपको सामने नज़र नहीं आने वाली, लेकिन बैकडोर रबते सब कुछ उसी तरह होता रहेगा। क्योंकि मेरी अभी वज़ीर आज़म के जो कानूनी टीम के माहरीन हैं उनसे बात हुई तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये गवर्नमेंट की इस वक्त सिचुएशन ये है कि 1 मिनट डाउन एंड नेक्स्ट मिनट अप। आज प्राइम मिनिस्टर ने तमाम अरकान को ये कहा कि आप वापस आ जाएं, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये तो था एक ऐसा फेज़ जिसमें पार्टी के अपने लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार इसका मतलब है गेम नहीं बन रही जो प्राइम मिनिस्टर इनको वापस बुला रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कल ये फैसला आ गया कि आप ताहियात नाहल होंगे, या ये फैसला आ गया कि इनका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो फिर ये मामला टर्न अराउंड कर सकता है। तो इसी सारे मामले पर हुकूमत इन्हसार कर रही है। मैं इस बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा जो जो सूरत हाल बदलती रहेगी। लेकिन अभी बात थोड़ी सी एक अच्छी खबर के हवाले से थोड़ा मूड चेंज करते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर जिसका मुझे तो कम अज़ कम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। मैं इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग कर चुका हूँ और आपको बता चुका था कि जल्द ही एक खबर आएगी, वो व्लॉग भी आप ज़रूर देखिए, मैंने कुछ अर्सा पहले ही अपलोड किया था। पाकिस्तान में सोने और तांबे के मुमकिन तौर पर दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर यानी रेकोडेक के हवाले से 10 साल बाद मामला तय हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शुरू की जाने वाली कानूनी जंग में पाकिस्तान आज जीत गया है, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के इलाके चाघी में तांबे और सोने की कानों से मुतालिक जो टैथियान कॉपर कंपनी के साथ एक तवील अरसे से हमारा तनाज़ा चल रहा था पाकिस्तान का, वो आज हल हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान, बलूचिस्तान और बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन ऑफ कैनेडा के दरमियान आज मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं और इनकी पूरी टीमें आज बनीगाला में पहुंची वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए, और उस मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के नतीजे में ना सिर्फ पाकिस्तान 11 अरब डॉलर्स के जुर्माने से बच गया है, बल्कि 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी हासिल करने में भी कामयाब रहा है। ये दो फ़ायदे हुए पाकिस्तान को। मुआहदे के बाद रेकोडेक कान पर जो काम है खुदाई का वो दोबारा शुरू होगा और 10 अरब डॉलर्स बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी, ये मुआहदे में लिखा गया है, जिससे कम से कम 8,000 नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। मुआहदे के बाद पाकिस्तान का शेयर 50% तक बढ़ गया है, जिसमें से 25% अब वफाकी हुकूमत को भी मिलेगा। आज से पहले ऐसा नहीं था, 25% सिर्फ सूबाई हुकूमत को मिलता था, वफाकी हुकूमत हाथ ही मलते रह जाती थी। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने 2006 में टैथियान कॉपर कंपनी, जो कि कैनेडा की और चिली की दो कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर था, उनके साथ एक मुआहदा किया। मुआहदे के तहत बलूचिस्तान में रेकोडेक ज़खायर की तलाश का एक काम शुरू करना था। माहरीन अर्जियात से उस वक्त जब रिपोर्ट ली गई कि ये मुआहदा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में जो मौजूद मादनियात की कदरों कीमत है वो 1 से 3 खरब डॉलर्स के दरमियान हो सकती है। 3 अरब डॉलर्स नहीं कह रहा, 3 खरब डॉलर्स के दरमियान हो सकती है, ये माहरीन की राय थी। इसी के पेश नज़र ये मुआहदा आगे बढ़ाना था, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के साथ कोई ज़मीन की लीज़ का एक मामला तय नहीं हो सका, जिसके बायस ये मुआहदा तवील मुद्दती शराकतदारी में नहीं बदल सका और इसे मजबूरन ख़त्म करना पड़ा। टैथियान कॉपर कंपनी जुलाई 2019 में रेकोडेक केस का ये तनाज़ा लेकर इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल करने वाली जो आलमी अदालत होती है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, वहाँ पर ले गई। उसके ट्रिब्यूनल ने सारी हेयरिंग की, जिसके बाद पाकिस्तान को 5 अरब 97 करोड़ डॉलर्स हर्जाने की अदायगी का हुक्म दिया गया। अब जुर्माने की ये रकम गैर मामूली हद तक ज़्यादा थी, मतलब पाकिस्तान कैसे अदा करता है इतनी ज़्यादा रकम। तो पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए हर्जाने की मनसूखी की एक दरख्वास्त की।
उसकी सुनवाई भी हुई, उसमें भी पाकिस्तान को बेनिफिट मिला। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत आई, उन्होंने इक्तदार संभाला, तो इस मामले का अज़सरेनो जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान पर आयद जुर्माना ख़त्म करवाने के लिए बैकडोर चैनल्स और डिप्लोमेसी शुरू हुई ताकि आउट ऑफ कोर्ट ये मामला सेटल किया जा सके। इस मामले पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं रिपोर्ट भी करता रहा हूँ, वज़ीर आज़म ने कुछ आलमी रहनुमाओं से भी बैकडोर रबते किए और बिलाखिर कंपनी के दो शराकत दारों में से एक ने वज़ीर आज़म की बात पर एतमाद का इजहार किया और ये तय पाया कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट दोबारा से शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म की मुदाखलत पर जो शेयर्स और प्रॉफिट का पूरा फार्मूला था उसे भी असर इनो तश्कील दिया गया, जिससे पाकिस्तान को यकीनी तौर पर अरबों डॉलर्स का फ़ायदा हुआ और आज इसका बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पा चुका है जिसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स के दस्तखत हैं और आज फिर हुकूमत की मुआशी टीम और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने भी अपनी ट्वीट में यह खुशखबरी कौम को सुनाई है। मुश्किल सियासी हालात के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा, बिकॉज OIC भी है और आगे और कुछ भी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इतने बड़े सियासी अपसेट का, लेकिन स्टिल गेम जो है वो नंबर्स पे डिपेंड कर रही है, तो जो आखिर में नंबर ले गया उसी का मामला होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कोई सिचुएशन इस वक्त क्लियर नहीं है। आने वाले वक्त में आपको अपडेट करता रहूँगा जो ग्राउंड रियलिटी होगी। आज तक के लिए इतना, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।